हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं ड्राई लैंड पॉइंट। ड्राई लैंड पॉइंट मतलब इंग्लिश में थ्री लैंड पॉइंट, जहाँ पे थ्री कंट्रीज का एक कॉमन पॉइंट है, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम। ये जो ड्राई लैंड पॉइंट है, ये नीदरलैंड में लोकेटेड है, फाल्स बोल के एक विलेज है। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो यू वॉच द व्लॉग टिल द एंड। लेट्स गो। सो हमने अभी हमारे कस्तानियन वेग, जहाँ पे हमारा रूम है, वहाँ से एक बस लिया है और कार्लसग्राबेन आ गए हैं। कार्लसग्राबेन एक अच्छा एरिया है यहाँ पे आखिर में, और यहाँ से हमारा अगला बस है और फाल्स को। सो आप देख सकते हो ये एरिया, यहाँ पे शॉपिंग मॉल वगैरह सब है। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पिज्जेरिया है, मॉस है, ये सब यहाँ के शॉप से छोटे छोटे, वहाँ पे आप पिज्ज़ा बर्गर वगैरह सब ले सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल है, आई गेस 3.5 यूरो में पिज्ज़ा वगैरह आ जाता है। मोदी जी, वाह वाह। और यहाँ पे ऐसे डस्टबिन्स होते हैं हर एक ऐसे बस स्टॉप पे, या कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद। सो इसलिए ये सिटी, ये कंट्री बहुत ही क्लीन है। और ये देखिए, बहुत सारे जगह पे आप ऐसे साइकिल्स वगैरह देखोगे, एक पोल से पूरे अटैच किए होंगे। सो ये काफ़ी यूनिक है, पोल को ऐसा अटैच करके लॉक किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के 44% लोग जो है, 44% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन यूज साइकिल। व्हाट द फक। ये जो कोविड के टाइम में मास्क कंपलसरी किया है ना, इससे जिनको स्पेक्स है उनको बहुत दिक्कत हो जाता है। जिनको स्पेक्स है वो रिलेट कर सकते हैं, ये पूरा ऐसा फॉग जम जाता है स्पेक्टेकल्स पे। हाय करना चाहते हो भाई? Can you fuck off, mate? So friends, finally we have reached Dry Lander Point, Three Lands Point। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और काफी लाइवली मॉल है। यहाँ से ये पार्ट जो है, ये है बेल्जियम, बी लिखा है वहाँ पे, आप देखिए। अगर आप ये साइड को आओगे तो आप देख सकते हो डी लिखा है, डी मतलब डॉयचलैंड। ये जर्मनी का पार्ट है पूरा, और आप देख सकते हो तो सर्कल का जो आधा पार्ट है वो है डॉयचलैंड। यहाँ पे ये है बेल्जियम, और ये छोटा सा पार्ट जो है ये है नीदरलैंड, और ये तीनों फ्लैग्स। और ये इधर मैप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पूरा नीदरलैंड का है, ये जो है ये पूरा बेल्जियम का है, और ये है
पूरा डॉयचलैंड यानी जर्मनी। सो मैप पे भी दिखाया है और ये उनका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन ये जो है ये इन्फॉर्मेशन तो जर्मन में है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डच में है, ये जर्मन में है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि हमको एक गाड़ी मिल गई और हमको एक फोर व्हीलर ने ड्रॉप किया यहाँ पे, वरना ट्रेकिंग करके अगर आप आते तो एक दो घंटे आराम से लग जाते। सो वी वर लकी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कुछ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ इधर का मैप्स वगैरह है, और अगर आपको कुछ खाना वगैरह होगा, लाइट स्नैक्स वगैरह, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, या आप यहाँ पे, अभी बंद है शायद से कोविड के रीज़न, और यहाँ पे भी आप कुछ फ्राइज़ वगैरह खा सकते हो, फ्री चूर स्नैक्स बोल के है। सो अच्छा इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये स्नैक्स का कुछ प्रोटोटाइप बनाया है। और एक मज़े की बात यह है, हमको लगा था जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको पासपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा, कुछ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह कुछ लगेगा ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आके बस एंजॉय कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ किसी ने कुछ भी पूछा भी नहीं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये लोग सब अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, और बेल्जियम के भी लोग हैं, नीदरलैंड्स के भी है, जर्मनी के भी है। दोस्तों ये टावर का फ्रंट व्यू है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से व्यू दिखेगा। और ये जो टावर है ये ब्रांड बियर टावर बोलते हैं इसको, और अभी ये कोविड के कारण बंद है। ओह नो। कोई बात नहीं। और ये पूरा ऐसे ट्रीज आप देख सकते हो दोस्तों, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। और जो हम सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन में भी डिफरेंस नज़र आता है, फील होता है। दोस्तों एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, ये जो आप देख रहे हो ये आपको यहाँ पे 2 यूरो के 2 कॉइन्स इंसर्ट करने हैं, और फिर ये प्लंजर जो है ये आपको दबाना है, उसके बाद आपको ये नोट आएगा एज अ मेमो
या फिर आपको ये दो कॉइन्स आएगा एज अ मेमो। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई दी ये, और ये यहाँ पे भी ऐसा ही है कॉइन्स का। सो इसको 10 बार घुमाना है ये ऐसे कॉइन डालने के बाद, और फिर यहाँ से कॉइन आपका बाहर आ जाएगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।